हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। जैसे आपने देखा, आज हमने जो लाइव ट्रेड लिया था वो रिकॉर्ड करके आपके सामने रखा है। इट वाज ऑप्शन राइटिंग, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसमें अनलिमिटेड रिस्क होता है। सो आई वुड सजेस्ट आप वो हमसे सीखने के बाद ही या फिर उसकी प्रॉपर नॉलेज होने के बाद ही ऑप्शन में ट्रेड करें। सो निफ्टी टुडे क्लोज्ड एट वेरी वंडरफुल 124 पॉइंट्स प्लस। निफ्टी का चार्ट अभी हमें कुछ नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। जो पहला सपोर्ट है वो है 11,570 का। 570 पे तो निफ्टी क्लोज हुई है, तो पहला सपोर्ट है 11,500 का, उसके बाद है 11,453। अपसाइड में रेजिस्टेंस पहले पास में हमने देख चुके हैं, तो फिर 11,600 का एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, उसके बाद जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 11,641। सो जिस तरह से निफ्टी अभी मूवमेंट दिखा रही है, तो वी कैन एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स फ्रॉम निफ्टी इन शॉर्ट टाइम। अभी तक तो कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, ना निफ्टी ना बैंक निफ्टी की तरफ से। बैंक निफ्टी इज गोइंग फार वे अहेड। तो फिर अभी जो ये लेवल्स है, ये लेवल्स सिर्फ आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, जो एक स्पेशल कैलकुलेशंस करके हमने अबव रेजिस्टेंस और अबव टारगेट्स निकाले हैं। तो जो उसका पहला टारगेट होगा वो होगा 330,814 का। उससे पहले जो ये टारगेट अचीव करेगी वो होगा 30,700, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स। बताना कोई बड़ी बात नहीं है, बट पहला जो मेन टारगेट होगा 30,814 का, उसके बाद जो पहला लेवल होगा 651 का होगा। जो पहला जो लेवल ये देख रहे हैं आप 30,651 का, दिस वुड बी अचीव्ड बाय बैंक निफ्टी एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद होगा 30,814 एंड आफ्टर दैट 31,100 एंड 31,050। एंड नीचे में जो सपोर्ट होगा वो होगा ये जो एक दिन पहले जो ये डोजी कैंडल बनी थी उसका हाई जो है 30,250 का लेवल, और उसके बाद जो होगा 30,252 एंड उसके बाद जो लास्ट होगा वो होगा 29,800। सो गाइस, प्लीज़ ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने स्क्रीन पे, याद रखिए इसको, लिख लीजिए, सो दैट आप जब कल ट्रेड करेंगे मार्केट में तो आपको ये लेवल्स ध्यान रहे। सो दैट इज़ फ्रॉम टुडे फ्रॉम मार्केट राउंड अप। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप लाइव ट्रेड्स मिस ना करें, एंड गेट इन टच विद अस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ़ यू वांट टू लर्न ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।